हाँ तो गाइस, क्या तुम्हारा भी फेक चैनल है एंड तुम यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हो या यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने वाले हो, या कंफ्यूज हो कि तुम्हें यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना चाहिए या लॉन्ग वीडियोस बनाना चाहिए? इनो कंडीशन में तुम्हारे लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हो सकता है। देखो, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें यूट्यूब शॉर्ट्स के कुछ एडवांटेज यानी फायदे के बारे में बताऊंगा, बट फायदे के साथ ही साथ मैं तुम्हें यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने के 5 सबसे बड़े एंड सबसे खतरनाक डिसएडवांटेज यानी नुकसान के बारे में भी बताऊंगा, जिसे देखकर तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या तुम्हें YouTube Shorts बनाना चाहिए। एंड वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें लॉन्ग वीडियोस बनानी चाहिए या तुम्हें YouTube Shorts बनानी चाहिए। मैं सारी चीजें विद प्रूफ एंड प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक रोड मैप भी दूंगा, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। सो इस पार्ट को मिस मत करना, वरना तुम आने वाले दिनों में बहुत कुछ गलत कर बैठोगे, देन उस टाइम पे तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, तो मैं तुम्हें सबसे पहले YouTube Shorts बनाने के कुछ एडवांटेज के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, ग्रोथ। मान लो दो बंदा है, फैक्ट एज एंड A2 मोटिवेशन। दोनों ने 15 अगस्त 2021 को अपना YouTube चैनल ओपन किया। फैक्ट एज ने लॉन्ग वीडियोस बनाए, बट A2 मोटिवेशन ने शॉर्ट वीडियोस बनाए। तुम्हें क्या लगता है किनका चैनल सबसे तेजी एंड फास्टली ग्रो करेगा? ऑब्वियसली A2 मोटिवेशन वाला चैनल सबसे जल्दी ग्रो करेगा, एंड उसमें सब्सक्राइबर भी ज्यादा होंगे, क्योंकि अभी YouTube खुद YouTube Shorts को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है एंड लोगों का TikTok वाला नेचर अभी तक नहीं गया है। नंबर 2, टाइमिंग। अब फैक्ट एज लॉन्ग वीडियोस बनाता है तो उन्हें एक 7 मिनट की वीडियो को रेडी करने में अप्रोक्स 6-7 घंटे आराम से लग जाएंगे, बट वहीं पर A2 मोटिवेशन को एक YouTube Shorts को रेडी करने में ओनली 15-30 मिनट्स लगेंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ YouTube Shorts बनाने के कुछ सबसे बड़े डिसएडवांटेज के बारे में। नंबर 1, अर्निंग। तुम्हें तो पता ही होगा कि अगर कोई तुम्हारे YouTube Shorts वाले वीडियो को ब्राउज फीचर एंड नोटिफिकेशन से देखता, तभी तुम्हारे वीडियो पर ऐड आएगी एंड तुम्हें अर्निंग होगी, बट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस शॉर्ट्स वीडियोस को शॉर्ट्स वाले सेक्शन से ही देखते, जिससे तुम्हें कोई भी अर्निंग नहीं होती है। लेकिन अभी रिसेंटली YouTube ने इन्फॉर्म किया है कि अगर तुम्हारे YouTube शॉर्ट्स वायरल होता है तो इसके लिए तुम्हें YouTube पैसे देंगे। बिलीव मी, वो पैसे लॉन्ग वीडियोस के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, एंड तुम्हें हर वीडियो में काफी ज्यादा व्यूज लाना पड़ेगा, देन ही तुम उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। नंबर 2, वॉच टाइम रूल। अगर कोई तुम्हारे YouTube शॉर्ट्स वाले वीडियो को YouTube के शॉर्ट सेक्शन से वॉच करता है तो तुम्हें उस वीडियो पर कोई भी वॉच टाइम नहीं मिलता है, बट अगर कोई तुम्हारे वीडियो को ब्राउज फीचर एंड नोटिफिकेशन से वॉच करता है तभी तुम्हें तुम्हारे वीडियो से वॉच टाइम मिलता है। सो तुम्हें 4000 आवर का वॉच टाइम कंप्लीट करने में काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर तुम YouTube शॉर्ट्स बनाते हो तो। नंबर 3, स्पॉन्सरशिप। इसे बोलते हैं स्पॉन्सरशिप, जहाँ पर कोई कंपनी तुमसे डायरेक्टली बात करती है एंड तुम उनके कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट के बारे में अपने वीडियो में बताते हो, एंड इसके लिए कंपनी तुम्हें पे करती है। पे बहुत ज्यादा करती है, जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर तुम YouTube शॉर्ट्स बनाते हो तो तुम्हें कोई भी कंपनी स्पॉन्सरशिप जल्दी नहीं देती है, एंड सारे यूट्यूबर सबसे ज्यादा पैसे स्पॉन्सरशिप से ही कमाते हैं। नंबर 4, ऑडियंस कनेक्शन। लॉन्ग वीडियोज में ऑडियंस तुम्हें ज्यादा देर तक वॉच करती है, सो वो तुमसे अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। एट द सेम टाइम YouTube शॉर्ट्स में 16 सेकंड में किसी को अपने से कनेक्ट कराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नंबर 5, कंसिस्टेंसी। अगर तुम YouTube शॉर्ट्स बनाते हो तो तुम्हें पर डे एटलीस्ट 2 वीडियोस अपलोड करने ही पड़ेंगे, कंडीशन चाहे जो भी हो। अगर तुमने थोड़ा भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं किया, तुम्हारे चैनल का रीच बिल्कुल डाउन हो चुका होगा, उसके बाद तुम्हें अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, अब तुम बोलोगे कि मुझे YouTube शॉर्ट्स बनाना चाहिए या लॉन्ग वीडियोस बनाना चाहिए, सो मैं देने वाला हूँ तुम्हें कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसकी मदद से अगर तुम यहाँ पे YouTube शॉर्ट्स बनाते हो तो तब भी तुम्हें कोई भी घाटा नहीं होगा, एंड साथ ही साथ तुम अगर यहाँ पे लॉन्ग वीडियोस बनाते हो तब भी तुम्हें जो काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। हमारे पास टाइम नहीं है, तुम शॉर्ट्स वीडियोज ही बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पावरफुल टिप दे रहा हूँ। सो मैं तुम्हें सबसे पहले एक रोड मैप देता हूँ, तुम चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। तुम्हें 10-50 के सब्सक्राइबर होने तक YouTube शॉर्ट्स बनाना है, जो तुम्हारे पास ऑडियंस आ जाएगी, तुम्हारे पास काफी ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, देन तुम्हें लॉन्ग वीडियोस की तरफ शिफ्ट हो जाना है एंड कभी भी YouTube शॉर्ट्स नहीं बनाना है। जब तुम लॉन्ग वीडियोस बनाओगे तो तुम्हें अर्निंग भी ज्यादा होगी, तुमसे ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप के लिए भी कांटेक्ट करेगी, जिसके लिए तुम्हें कंपनीज काफी ज्यादा पे करेगी, एंड साथ ही साथ तुम्हें पर डे वीडियो भी अपलोड नहीं करना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ तुम ऑडियंस के साथ एक काफी अच्छा कनेक्शन भी बिल्डअप कर पाओगे, तुम्हारे इंस्टाग्राम वगैरह पर काफी अच्छा फॉलोवर्स होंगे। लाइक तुम ये वाला चैनल देखो, फैक्ट स्टार, ये पहले YouTube शॉर्ट्स वीडियो बना करते थे, ये देखो ये सारे वीडियो इनके जो है YouTube शॉर्ट्स के हैं, बट नाउ डेट बट तुम इनके लेटेस्ट वीडियो को देख सकते हो, ये अभी जो है पूरे लॉन्ग वीडियोज में शिफ्ट हो चुके हैं, अब ये एक भी शॉर्ट वीडियोज नहीं बनाते हैं, एंड यहाँ से ये काफी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर लेते हैं। तो देखो यार, मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी है, अब डिसीजन तुम्हें लेना है कि तुम कौन से वाली वीडियो बनाओगे। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन पर भी बता देना कि तुम कौन से वाली वीडियो बनाने वाले हो, एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम मुझे इजीली कमेंट कर सकते हो, तुम्हें इंस्टेंट रिप्लाई देकर वहाँ पर तुम्हें बता दूंगा। एंड अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन पर 3535 कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग मेरे वीडियो को एंड तक देखते हैं। तुम YouTube शॉर्ट्स बनाओ या लॉन्ग वीडियोस बनाओ, तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है फैक्ट्स का। अगर तुम अपने चैनल पर अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताओगे तो तुम्हारे चैनल के ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहेंगे। सो अगर तुम्हें फैक्ट्स फाइंड करना नहीं आता है तो ये वाले वीडियो पर क्लिक करो, यहाँ पर मैंने 10 तरीके बताए हैं जहाँ से तुम फैक्ट्स इजीली फाइंड कर सकते हो। एंड फैक्ट्स के साथ ही साथ तुम्हें चाहिए रहता है एक काफी अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक, तो अगर तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक फाइंड करना नहीं आता तो यहाँ पर क्लिक करके तुम ये वाला वीडियो को वॉच कर सकते हो। फिर मिलता हूँ मैं तुम लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ पर भी हो जैसे भी हो, बी मोटिवेटेड।